हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। चलिए आज बनाते हैं करेले की सब्जी, जो खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन बहुत कम लोगों को। तो मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो हर कोई खाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल में थोड़ा सा सौंफ डाल रही हूँ, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे और लाल मिर्चें। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में हम इसको इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और लंबी लंबी पतली पतली कट कर लेंगे। ये प्याज लच्छेदार कट की है मैंने। तो ये प्याज मैंने आधा किलो करेला लिया यानी 500 ग्राम, तो उसमें मैंने यहाँ पर 300 ग्राम का प्याज लिया है। तो ये इसका मिक्सिंग रेशियो है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। प्याज थोड़ी ज़्यादा ही डाली जाती है। तो बस इसे हल्की सी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की सी सौते करेंगे। और एक इसमें आलू डाल दिया है मैंने मीडियम साइज़ का। तो आपके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन आलू डालने से क्या होगा कि जिन्हें करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता, करेला बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो वो ये आलू में पूरा कड़वाहट दे देगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। करेले में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इंसुलिन पाई जाती है। करेला बहुत ही हेल्दी है, लेकिन कड़वा होता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, बट इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। थोड़ी सी हल्दी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप करेला बनाएं तो करेले के ऊपर से अच्छे से, अगर आप चाहें तो पील करके और थोड़ा सा नमक के पानी में उसे भिगो करके रखें हाफ एन आवर के लिए, और अच्छे से मसलते हुए धो लें और उसके बाद बनाएं। तो ये स्टाइल से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको ये करेला कड़वा नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा आलू जो है थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब कटे हुए रिंग रिंग के शेप में मैंने कट कर लिए करेलों को और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये मेरा करेला मैंने नमक में बिल्कुल भी भिगोया नहीं है, ये बिना उसके ही बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में भी करेला कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ये स्टाइल से करेला बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो ये करेले की सब्ज़ी आप ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं, पराठों के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, दाल राइस के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। बस इसे मिक्स करके ढक करके हम बनाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। अब इसे ऊपर नीचे अच्छे से घुमा लेंगे और ये चलाते हुए ना बहुत अच्छे से ना ये गल जाता है। और ये देखिए करेला बस हमारा तैयार है खाने के लिए, और ये गल चुका है। बस इसे थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। तो ऐसे ही पैन में फैला देंगे और फैलाते हुए फास्ट करेंगे गैस को, और बस तैयार है। ये देखिए करेला हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसमें। तो एक बार ज़रूर बनाएं इस स्टाइल से और अपने अपने कमेंट शेयर करें। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ये जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं ना, ये धनिया डाला है, तो ये धनिया का एक अपना ही फ्लेवर है, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो एक बार ज़रूर बनाएं मेरे स्टाइल में करेले की सब्ज़ी और मुझे अपने कमेंट शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर्स ऑल।